और आज दिन आज हम तीनों बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हमने जो वीडियो अपलोड की थी तो जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो एनजीओ तक पहुंच गए हैं, उनका इलाज चल रहा है और उस वीडियो को वायरल करने में आपने भी हमारी बहुत हेल्प की, हमारा बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आखिर क्यों हुई इनकी वीडियो वायरल? क्या था इस वीडियो में? ये पागल सा इंसान दिखने वाला दोस्तों किसी सुपर हीरो किसी हीरो से कम नहीं है। इसकी असलियत जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे क्योंकि दोस्तों इसने प्यार में धोखा खाया है। प्यार में धोखा खाने के बाद ये पागल हुआ था। और इनकी फैमिली से हमारा कांटेक्ट हुआ है तो बहुत जल्दी अपनी फैमिली से भी मिल जाएंगे और जब भी अपनी फैमिली से मिलेंगे तो हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे और इसलिए आपने वहाँ सपोर्ट किया तो बहुत बहुत थैंक। मैं इन तीनों बंदों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन लोगों ने एक प्यार में पागल हुए इंसान की जिंदगी बदल दी, उसकी जिंदगी बना दी। देखिए दोस्तों मैं इस भाई की कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये इंसान दोस्तों किसी लड़की के चक्कर में पागल हुआ था। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों किसी की भी जिंदगी बदल सकती है क्योंकि प्यार में इंसान अच्छे अच्छे भी पागल नहीं दोस्तों महापागल हो जाते हैं। एक इंसान को जानवर से भी प्यार हो जाता है, अगर वो जानवर उससे बिछड़ जाए तो इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। दोस्तों प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छे खासे इंसान को पागल बना सकती है। मैं ये बस यही कहना चाहूँगा जिसने भी इनकी फैमिली से मिलवाया है तो दोस्तों उनको बिल्कुल दिल से थैंक यू क्योंकि ये दोस्तों जो भी बंदा है वो सुपर हीरो से कम नहीं है। आने वाले समय में देखे अच्छी खासी पर्सनैलिटी अच्छा खासा लुक होने के बाद पागल हो गया। पागल होने का सिर्फ और सिर्फ रीजन रहा एक प्यार, छोटा सा प्यार, छोटी सी स्टोरी, कुछ ही समय में इस बंदे की जिंदगी बदल दी। दोस्तों प्यार में धोखा क्यों दिया था इस लड़की ने, क्या कारण था? दोस्तों हम सारी बातें आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा और अधिकतर इंसान का जो पहला प्यार होता है इंसान का वो कभी पूरा नहीं होता और पहले प्यार के ही जरिए इंसान अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। वो पहले प्यार के जरिए दोस्तों इंसान लाइफ में सक्सेसफुल भी होता है और दोस्तों डीमोटिवेट भी हो जाता है, आसमान पे भी पहुंच सकता है दोस्तों, आसमान से ज़मीन पे भी गिर सकता है दोस्तों क्योंकि एक जो प्यार होता है ना प्यार दोस्तों इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। दोस्तों बस भगवान से दुआ कीजिए कि ये जो भी बंदा है वो दोस्तों बहुत जल्दी ठीक हो जाए, अपनी फैमिली से मिल जाए दोस्तों क्योंकि हर इंसान की जिंदगी बहुत दोस्तों कीमती होती है। और दोस्तों आज का जो समय है यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया और लाइकी हो गया दोस्तों, और आज का जो ऑनलाइन का सिस्टम है दोस्तों उसके जरिए दोस्तों हम किसी से भी कहीं से भी मिल सकते हैं। दोस्तों ये बंदा अपनी फैमिली से ज़रूर जल्दी मिलेगा और जिन लोगों ने इसे मिलवाया है उनका भी दोस्तों यहाँ पर छोटा सा वो देख लीजिए क्योंकि एनजीओ वाले उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। लोगों को बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने उन्हें ढूंढा है और वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाया जिससे उनके फैमिली वाले आज मिल पाए हैं। उनके फैमिली वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, पर एनजीओ वाला हमारा कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं, हमारा कॉल कट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी कोई भी वीडियो दिखती है उस पर कमेंट करें और जल्दी से जल्दी हम बोले उनसे कि वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। और मेरी बहन भी उनके लिए बहुत परेशान हो रही है, बेचारी रो तक रही है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। प्लीज़ हमारी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, अब आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। ये बंदा दोस्तों वही है जिसकी मैंने अभी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई हैं। दोस्तों इसकी जो लाइफ है एक पल के लिए ऐसा हुआ है इसकी ज़िंदगी में दोस्तों ये खाने को मोहताज हो गया है, कभी किसी ने कुछ खाने को दे दिया कभी कुछ दे दिया, ये खाने खाने को मोहताज हो गया और सिर्फ दोस्तों इसका पागल होने का जो कारण रहा था वो प्यार था। दोस्तों आई होप इसे इसका प्यार दोबारा से वापस मिल जाए और ये अपनी फैमिली के पास जा सके दोबारा से।